आज 26/5/2024 संडे की मुरली है, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज्ड कोर्स है 31 दिसंबर 1999। टाइटल है नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। 99 में 2000 आना था तो नई सदी शुरू होनी थी, 21वीं सदी शुरू होनी थी, तो उसके लिए बाबा ने होमवर्क दिया है क्या करना है, 21वीं शताब्दी में क्या काम करना है। क्या बोला कि आपका बिहेवियर बोले, आपका चेहरा बोले, क्या बोले, फरिश्ते दिखें। ठीक है, सब फरिश्ते दिखने चाहिए अभी, ऐसा अपने आप को प्रत्यक्ष कर ले कि हम फरिश्ते हैं। कैसे बन सकते हैं? तो आज बाबा ने पहले तो बच्चों को इतना सम्मान दिए, इतना उठाया कि दुनिया के महान आत्मा, महात्मा को तो कहते हैं महात्मा है, पर आप तो अपने को समझते हो ना, अनुभव करते हो, प्रैक्टिकल करते हो कि अब महान आत्माएं हैं। क्योंकि हमेशा आप अभी भी वर्त स्पेशल हो, भविष्य में भी स्पेशल हो। कैसे हो तो बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे चेहरे चलन से पता पड़ना चाहिए, चाल से पता लगना चाहिए, क्या चाल है, क्या हाल है। जैसी चाल होती है वैसा ही हाल होता है। तो बाबा ने कहा क्या चाल है, क्या चाल है तुम्हारी, कोई पूछे क्या चाल है, बोलो ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण अर्थात, ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा। सुना ब्राह्मण की डेफिनेशन, ब्राह्मण डजंट मीन पुरुषार्थी। बाबा ने पुरुषार्थी शब्द को निकाल दिया, क्या बोला, ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा। किसमें? ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में संपन्न आत्मा। तो ऐसी चाल है बाबा कहते आपके चेहरे से दिखाई देता है कि ये साधारण होते हुए भी अलौकिक है। ये दिखना चाहिए लोगों को, ये हमारी तरह साधारण नहीं पर अलौकिक है। यानी आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन अलौकिक अनुभव करते हैं, ये फील करना है, ये अनुभव करना है। सारे बोली बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त आप हो, तो क्या करो, अमृत वेले से ही अपनी चलन और चेहरे को चेक करो कि हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है या समय प्रति समय बदलता है, ये चेकिंग करनी है। जब काम, अभी तो चलो क्लास में है, जब काम काज में बहुत बिजी हो तब भी कोई हलचल तो नहीं होती चेहरे पर, ये चेक करना है। ठीक है, अलौकिक है, अलौकिक माना कितना भी बिजी हो फिर भी चेहरा कैसा हो, न्यारा और प्यारा अनुभव होना चाहिए। अचानक के पेपर में भी पास होना है तो ऐसा बाबा हमको देखते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं चेक करो, क्योंकि बाबा को आपने प्रत्यक्ष करना है तो कि साधारण कार्य करते भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। ठीक है, इसलिए फरिश्ता स्वरूप अर्थात समृद्धि स्वरूप में हो चाहे साकार में हो, मैं कौन मेरा कौन, ये हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, फिर बाबा कहते कोई सर्कमस्टांस आता है, कोई बात आती है आपको बदलती है या आप बात को बदल देते हो, इतना कंट्रोल होना चाहिए आपको। चाहे हालात कैसे भी हो, फरिश्ता अर्थात पुराने या साधारण हाल चाल से भी परे, इतनी सम्मान बाबा ने उठाया। बाबा ने कहा
फिर बाबा ने कहा समय की पुकार क्या है? समय सब आपको देख रहा है कि ये विशेष आत्माएं हैं, सबकी नज़र आप फरिश्तों पर है, आपसे फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन दिखाई देना चाहिए। तो कैसे दिखाई देगा? उसके लिए बाबा ने कहा सिर्फ चार बातें याद रखो। उन चारों बातों से बाबा ने शुभ लगा दिया, एक शब्द शुभ ही याद रख लो। तो चार बातें की बहुत ही बड़ा बताया, पहला तो शुभ चिंतक है, दूसरा शुभ चिंतन है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर तीसरी बात क्या बताई? शुभ भावना है। चौथा शुभ श्रेय स्मृति या स्वरूप है, प्रैक्टिकल दिखना चाहिए, ये है ही ये शुभ, इनका स्वरूप ही शुद्ध है, ये दिखना चाहिए। ये चार बातें आपसे दिखनी चाहिए, ये प्रैक्टिकली बाबा देखना चाहते हैं, ठीक है। पर बाबा ने देखा क्या, रिजल्ट क्या निकाली? बाबा देखता रहता है कैमरे में ना, रिजल्ट क्या निकाली? क्या मुख्य कारण देखा? एक बाबा ने कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। बात आ जाती है, बात हो जाती है ना, उसी को सुनते रहते हैं, सोचते रहते हैं, पर मिटाते नहीं प्रॉपरली। मिटाना है, जिसे कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। ये विदेशी भी भाषा समझते हैं कॉन्शियस और सब कॉन्शियस की। क्या होता है सब कॉन्शियस और कॉन्शियस? सब कॉन्शियस मीन्स आपके संस्कार, आपके संस्कार, और कॉन्शियसली जो कर रहे हो, संस्कार बना रहे हो, वो कॉन्शियसली कर रहे हो। तो हमारा 90% पार्ट सब कॉन्शियस में होता है, सिर्फ 10% ही हमारा कॉन्शियसली करते हैं। तो इतना ज़्यादा बनाना है कि 90% जो सब कॉन्शियस में है, संस्कार बने हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं, उनको चेक करना बाबा ने, ये बाबा ने समझाया इसमें। पर बाबा कहते फिर भी कोई बात होती है, पूरा मिटा नहीं सकते। क्यों नहीं मिटा सकते? क्योंकि समाने की शक्ति नहीं है। फैलाने की शक्ति है पर समाने की शक्ति नहीं है। सहन भी कर लेते हैं पर समा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि भी फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर, समाने की शक्ति, हर चीज़ को समाना है। फिर बाबा ने स्पेशली बोलना पड़ा नेगेटिव को नहीं समा लेना, है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करके समाना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। उल्टी सुलटी बातें तो भटभटा बंदा समा लेता है, सब याद रहती है, टाइम पर बोल देते हैं, है ना, थोड़ी देर कंट्रोल भी कर लेते हैं, समा भी लेते हैं, फिर टाइम पर बोल देते हैं, उसको पॉजिटिव करके समाना है, तभी इस सदी में नवीनता आएगी। फोक्स सिंह बाबा ने स्पेशली इस बात पे लिखी। तो फिर बाबा कहते मैं कारण नहीं सुनता, जब कारण सुनना अच्छा नहीं लगता, बाबा कहते निवारण चाहिए, निवारण करना है। होता क्या है? केयरलेसनेस, अलबेलापन। बाबा ने अलबेलापन डिफरेंट डिफरेंट रूप में देखा, फिर रॉयल अलबेलापन भी बाबा ने देखा। जानते हैं भगवान की लाखों आंखें हैं, हजारों आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, फिर भी कह देते हैं देख लेंगे क्या होगा। बाबा ने कहा, बाबा ने जब बच्चों ने बोला ना देख लेंगे क्या होगा, बाबा ने बिल्कुल धर्मराज का रूप बना के देखा, देख लेना फिर क्या होगा। सब चलता है, बाबा ने कहा देख लेना सब चलता है, फिर चलोगे ही, उड़ोगे नहीं अगर ऐसा बोलोगे। तो बाबा ने अपने वर्ड शब्दों में भी कंट्रोल रखने को बोला। फिर बाबा ने कहा बाबा से प्यार है, प्यार का रिटर्न क्या है? अव्यक्त ब्रह्मा बाप के समान बन जाना, ये प्यार की निशानी बाबा चाहता है, ठीक है। वरदान, हाँ जी वरदान, स्व के चक्कर को जान,
यानी ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले, यानी प्रभु प्रिय भव द्वारा बोलता हूँ, स्व के चक्कर को जान, ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। प्रभु प्रिय कौन है? जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, जो ज्ञान के काबिल आत्मा है। ज्ञान के काबिल आत्मा कौन है? जो स्व के चक्कर को जानते हैं। सुदर्शन चक्करधारी जो है वही ज्ञानी तो आत्मा है, वही प्रभु प्रिय है। विस्तार है, आत्मा का इस सृष्टि चक्कर में क्या क्या पाठ है उनको जानना, अर्थात स्वदर्शन चक्करधारी बनना। परमधाम पहुंच गए, सत्युग पहुंच गए, सारा जान लिया, यह स्वदर्शन चक्करधारी बनना। पूरे चक्कर के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्व के चक्कर को जानना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बनना। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा ही प्रभु प्रिय है, उनके आगे माया आएगी पर ठहर नहीं सकती। बातें आएंगी पर ठहरेंगी नहीं। ये स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। पूरे ग्लोब के महाराजा बनना है तो जो स्वदर्शन चक्र फिराता रहेगा वही ग्लोब का महाराजा बनेगा। स्लोगन, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तभी प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। प्रजा तैयार कैसे होगी? जब हर एक बच्चा बाप के समान प्रैक्टिकल में बनेगा। तो हमें बाप समान प्रैक्टिकल में बने हैं, आपको दे देकर आपकी प्रजा बहुत जल्दी बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओम शांति। ओम।